में करने के लिए आप करेंगे, या फिर नाक में आपके वो स्मेल गया है, गंदी स्मेल गई है, हाँ, सुवास जो गंध कहते हैं वो गई है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी पेट से सांस बाहर निकालेंगे। वैसे ही वो जो सांस होता है ऐसे हुम हुम, ऐसी उसकी आवाज होती है। तो ये हुम है जो है ना, ये वराह का आपने चेहरा देखा होगा तो उसका एक ऐसे एक सुन बोल सकते हैं आप, उसका दंत जो होता है वो ऐसे होता है, और उसमें ना उसके जो नाक होते हैं उसमें सूंघने की शक्ति बहुत होती है। तो वो जितना अंदर अंदर तक वो सूंघता है, यानी हमारा जो शरीर है, हमारे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं है वो सारे अंदर तक ढूंढता है, और उसको सूंघ के वो सूंघने की जो ताकत है ऐसे, तो वो सूंघने के बाद जो उच्छ्वास होता है वो है हुम हुम हुम। इसलिए इसका उच्चारण प्राणायाम से हुम से करना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी YouTube पे भी आपको नहीं मिलेगा, या किसी सत्संग के उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा। मेरे पास ये संजीवनी विद्या की हीलिंग करने वाले या संजीवनी मंत्र के जाप करने वाले और अपने अलग अलग प्रयोग करने वाले बहुत से लोग आते हैं, पर मूल जो विद्या होती है वो गुरु के पास सीखे बिना वो जागृत ही नहीं होती, अथवा जागृत होने से अच्छा है वो समझ में तो आनी चाहिए, तो वो समझ भी नहीं रहती। तो सोचिए कितने लोगों का समय समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी हो गई है। अगर सही गुरु पकड़ा होता तो ये आपको सब कुछ समझ में आ जाता। दूसरा है क्लिंग। क्लिंग जो है ये काली बीज है। काली क्या करती है, ये सब कुछ जो निगेटिव ऊपर आया हुआ है उसको नष्ट कर देना। एक बार उसे नष्ट कर दिया तो काली को ही काम बीज भी कहा जाता है। तो नष्ट करने के बाद ही वो एक नया रूपांतरण होता है। जब मैला साफ हो जाता है तो जो छुपा हुआ है वो पुनर्जीवित हो जाता है, वो है क्लीन। क्लीन का मतलब इस रूप से। अब जूम, जूम जो है वो क्या बोलते हैं, जीवन तो है, वो नए रूप से ऊपर आ गया पर उसमें प्राण नहीं है, तो उसमें प्राण डालने का जो मंत्र है उसे एक प्रकार से संजीवनी देना, तो ये जूम ये मंत्र है वो दर्शाता है। सह क्या दर्शाता है कि अब वो मृत व्यक्ति जो है, मृत व्यक्ति के अंदर हमने आत्मा लाई या उसमें उसको संजीवनी दे दी, पर उसमें प्राण नहीं, यानी सांस नहीं है उसमें। सांस का होने का मतलब ये है कि ये शरीर और ये यूनिवर्स इसको जोड़ने का कार्य प्राण करता है, यानी श्वास करता है। तो सह का मतलब ये है, जैसे कि हम श्वास लेते हैं ना, हंसा सोहम, हंसा यानी हंसा सोहम की तरह हमारी सांस श्वास प्रश्वास चलता है, तो उसी में से ही ये स है। ये हमको इस यूनिवर्स से प्राण श्वास से यानी श्वास की क्रिया से जोड़ता है, वो है स। इस रूप से ये संजीवनी विद्या है। मेरा एक आर्टिकल ब्लॉग पे आने वाला है और एक स्पेशल सत्संग मृत संजीवनी विद्या और महामृत्युंजय विद्या ओरिजिनल रूप में वैदिक काल में कैसी होती थी ये उसमें मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप YouTube पे लगे रही है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस आगे आगे कौन समझते हैं, ओम ग्लोम हुम क्लीम जुनसा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। अब ज्वालय ज्वालय मतलब क्या है कि मेरी जितनी सारी निगेटिव ऊर्जा है उसको ज्वलन कर दो, यानी समाप्त कर दो। ज्वल ज्वल और प्रज्वल प्रज्वल का मतलब यह है कि अग्नि निर्माण होना और उसमें कुछ डालने के बाद उस चीज का भस्म हो जाना, ये दो क्रिया अलग होती है। यानी अग्नि आपने निर्माण कर लिया, उसमें आपने कोई कागज या पेपर डाल दिया,
तो पेपर को आग लग जाती है, मतलब वो बर्न होता है, यानी अग्नि निर्माण होना अलग है जो आपके सामने है, और उसमें कुछ डालने के बाद वो वस्तु जल के खाक होती है, उसको बोला जाता है प्रज्वलन, यानी ज्वल ज्वल अलग है, प्रज्वल प्रज्वल अलग है। मतलब आपकी सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं है, जो सब कुछ कर्म है, हे देवी मुझे ये जो पहले संजीवनी मंत्र है उससे तू मुझे संजीवनी दे, और मेरे जो कर्म है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, और जिस संकल्प के लिए मैं ये कुंजी का स्तोत्र पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, वो संकल्प में आने वाली सारी बाधाएं जलाकर खाक कर दो, अग्नि में समाप्त कर दो। फिर से आई एम रिंकलिंग चामुंडाए विचे, मतलब जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही तीनों तत्वों का स्वरूप चामुंडा तू विच्चे मैं तुम्हें शरण आया हूं। ज्वला हं सं लं शं फट स्वाहा, मतलब ये सब कुछ जो हं सं लं शं, ये चार बीजाक्षर है और बाद में फट स्वाहा लिखा हुआ है। अब ये चार बीजाक्षरों का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, ये भी आपको नॉर्मली कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हं का मतलब है आकाश तत्व, सं का मतलब है शक्ति तत्व, लं का मतलब है पृथ्वी तत्व, और क्षं का मतलब है नृसिंह तत्व। नृसिंह मतलब क्या है, पहले हं आकाश, यानी आकाश में भी जो मुझे आकाश में भी जो शक्तियां है, हवा में भी जो मुझे तंग कर रही है वो, सं मतलब अलग अलग शक्तियों को जोड़ के मेरे ऊपर कोई शक्ति छोड़ी हुई है इस रूप से, लं पृथ्वी यानी पृथ्वी के किसी कोने में मेरा कुछ कोई भी कर्म अटका हुआ है वो, और क्षं नृसिंह बीच कहा गया है। नृसिंह बीच क्षं को इसलिए कहा गया है कि नृसिंह अवतार विष्णु ने लिया था तो एक मनुष्य के रूप में लिया था। नृसिंह अवतार मनुष्य रूप में आने का मतलब है कि हर एक मनुष्य में नृसिंह अवतार होता है, मतलब एक जैसे कि सिंह हो अथवा वाघ जिसे टाइगर हम कहते हैं, शेर कहते हैं, तो शेर में एक जानवर का रूप कैसे होता है, वैसे हर मनुष्य में भी एक नृसिंह रूप रहता है, एक जानवर का रूप रहता है। वो जैसे कि क्रोध आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, क्रोध में अगर व्यक्ति पतला हो जिसके पास शक्ति नहीं है वो भी पहाड़ भी उखाड़ कर फेंक सकता है, तो उसको नृसिंह का बीज कह के क्षण कहा गया है। मतलब हे चामुंडे तुम इतनी सारी ताकत इकट्ठा करो, फट स्वाहा, आगे लिखा है फट स्वाहा, मतलब फट का मतलब क्या है, ताली बजाई, और स्वाहा का मतलब क्या है, उसे जला डाला। ताली बजाने का मतलब यह है कि उसको जैसे कि बंदूक की गोली फट जैसे आवाज आ जाती है, आ जाता है, तो उस टाइप में वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उससे फट यानी समाप्त कर दो, और समाप्त करने के बाद उसे जला डालो, स्वाहा, ये है इसका मीनिंग। आगे लिखा है इति मंत्रः नमस्ते रुद्र रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणे, नमस्ते महिषार्दिनी, मतलब ये है कि नमस्ते यानी नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे मधुमर्दिनी अर्थात मधु कैटभ का जिसने वध किया उस शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते शुभ हंत्रे च निशुंभासुर घातिनी, शुंभ निशुंभ का जिसने वध किया उस महाशक्ति को प्रणाम। जागृतम हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टि रूपाये रिंकारी प्रतिपालिका, मतलब तुम महाशक्ति पराशक्ति तुम ऐंकारी हो, और ऐंकार रूप से यानी ऐं बीज से तुम सृष्टि का निर्माण करती हो। रिंकारी प्रतिपालिका मतलब रिंग बीज रूपा तुम इस सृष्टि का पालन करती हो। क्लिंकारी कामरूपिण्य, क्लिंग मतलब ये है तुम क्लिंग बीज रूपी शक्ति हो जो काम का निर्माण, मतलब जैसे बच्चे जन्म लेना अथवा
पुनर्जन्म, ये जन्म ले लेना इसको बोलते हैं। तो ये आइंग रिंग क्लिंग, ये सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, काली, इनके बीच है। क्लिंकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। क्लिंकारी काम रूपिणे बीज रूपे मतलब ये काम बीज के रूप में तुम अवस्थित हो। काली का है बीज रूप में शिव के साथ मूलाधार चक्र में। चामुंडा चंड घाती चैकारी वरदायिनी, यह मतलब चामुंडा तूने चंड का घात किया था और तुम वरदायिनी हो, इस रूप में कहा गया है। विच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। विच्चे चा भयदा मतलब अब यहां ये जो विच्चे है, ये विच्चे का मतलब समर्पण नहीं है, यहां विच्चे का मतलब है रक्षण करो, मत समझ गए, यहां विच्चे का मतलब है रक्षण करो। चा भयदा नित्यम मतलब इन सारे भयों से मेरा रक्षण करो नित्यम। नमस्ते मंत्र रूपिणी मतलब तुम मंत्र रूपिणी हो। अब आगे है धांग धीम धूम धुर जटे पत्नीम वांग बिंग बुम वागधीश्वरी, मतलब धांग धीम धूम धुर जटे पत्नीम, ये शिव पत्नी को कहा गया है, ये शिव अपनी पत्नी को कह रहा है। और वागधीश्वरी मतलब वांग बिंग बुम वागधीश्वरी मतलब तू वाणी की देवता है। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी, क्रां क्रीं क्रूं मतलब तू कालिका देवी, शां शीं शुं में शुभम कुरु, मतलब ऐसे कि हे भगवान ये मेरे कार्य करो। शां शीं शुं में शुभम कुरु, शुभम कुरु प्लीज डू दिस कॉल, इस रूप में। हुम हुम हुंकार रूपी ने जंग 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 जंभनादिनी, अर्थात यह भी हुम जो वर्ड है वैसे ही उच्चार करना है, हुम हुम हुम। अब यह जो हुम वर्ड है वो मैंने जो पहले संजीवनी मंत्र का अर्थ बताया था वो हुम नहीं है, ये हुम काली का हुम है। आपकी साधना अगर बहुत बढ़ गई तो अंतिंद्रिया शक्तियां खुलने से पहले ये अलग अलग अनुचर्या शक्ति योगिनी यक्षिणियां जो होती है वो आपसे संवाद साधती है, ऐसे श्री विद्या में भी होता है संवाद साधती है। तो जब उनका संवाद जो होता है वो सपने में या आप सोए हो तो आपको अचानक से हुम हुम ऐसे जो पैर में जो पैजन पैजन होते हैं या घुंघरू होते हैं उस टाइप में हुम हुम की आवाज आ जाएगी, उसके साथ आ जाएगी। तो ये एक काली कैसे प्रकट होती है और रौद्र रूप धारण करती है वैसे हुम हुम करती है। ये हुम हुम मतलब ये है कि वो हुंकार से सामने वाला जो युद्ध क्षेत्र में जो एनिमीज है शत्रु है उनको अपने ये हुम आवाज से ही ये सारे लोग घबरा उनको भय दे रही है, इस रूप में है। तो ये हुम हुम ये भी पेट से आवाज निकालने से हुम प्राणायाम। हुम हुम हुंकार रूपिणे जंग जंग जंभनादिनी, जंभनादिनी का मतलब ये है ये एक जुरुम्भन विद्या है, जुरुम्भन विद्या ये स्मशानी विद्या है और ये जुरुम्भन विद्या की जो देवी है उसे जंभनी विद्या कहा गया है और उसको यह पुकारा है। मतलब आपके ऊपर किसी ने स्मशानी करनी भानामती अथवा ब्लैक मैजिक किसने किया हुआ है तो उसको भी तुम जंभनादिनी हो यानी जंभिनी देवी हो तो उसको ढूंढो निकालो और नष्ट कर दो, ये कहा गया है। भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानेते नमो नमः, मतलब तुम भैरवी जो तुम्हें बसी भवानी है उसको मैं नमन करता हूं। आगे आगे का थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा देखिए अभ्यास का विषय है। अं कं सं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं शं। कभी आपने सोचा है कि ये इतने अं कं सं टं तं ये सारे जो वर्ड है वो क्या है? आपको बहुत बार
ये इसको ना समझाया नहीं जाएगा, या फिर सारे जो आर्टिकल लिखे हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि इसको समझने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ो। पर अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, और आप ये जो 12 खड़ी जिसे कहते हैं, यानी 51 मातृका में बचपन में सिखाए जाते थे, स्लेट पे जो हम लिखते थे, अ आ इ ई क ख ग ट ठ त थ, तो ना आप पूरी मातृका 51 बीजा अक्षरों के सामने लाइए। उसमें पहला अक्षर ना अ है, उससे छठवा अक्षर क है, क से छठवा अक्षर च है, च से छठवा अक्षर ट है, ट से छठवा अक्षर त है, त से छठवा अक्षर प है। ऐसे पूरे 51 जो एक मालिका है बीजाक्षरों की, उसमें से छे छे जो एक एक लाइन है, तो ये जो छे छे लाइन है उसमें से पहला पहला अक्षर जो है उसी को इसमें लिया हुआ है। यानी शॉर्टकट में पूरे 51 मातृका के जो मेन मातृका है, तो उन मेन मातृका को लिया हुआ है। जैसे कि अंग, अंग से शुरू होते अ आ इ उ, और क से शुरू होता है क ख ग घ घ, जैसे कि उसके बाद अंकं, तीसरा है चंग, चंग से शुरू होता है च छ ज झ। तो ऐसे पांच पांच वर्ड का एक एक लाइन होती है 51 बीजाक्षरों में। तो ये पांच पांच बीजाक्षरों की जो लाइन है उसमें से फर्स्ट बीजाक्षर इंडिकेशन के लिए यहाँ पे लिया है, और इन सबको लेके 51 बीजाक्षरों की, 51 बीजाक्षरों के जो मातृका है, इनको एक प्रतीक के रूप में सबको लिया हुआ है, और ये शंग तक लिया हुआ है। थोड़ा सा आप अपना अभ्यास इस विषय में रखिए। आगे लिखा है विंग दुंग ऐंग, विंग का मतलब है लाइफ, दुंग का अर्थ है दुर्गा, फिर से आगे ऐंग का मतलब है वो भी एक शक्ति है, शक्ति का रूप में कहा गया है, फिर से विंग है वो है वाणी, और हंग शंग का मतलब है ये, जैसे कि हमारे आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र के दो वर्ड है, और आज्ञा चक्र जो है ये पूरे सिस्टम को एक इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, यानी ये हमारे शरीर को भी कंट्रोल करता है और सूक्ष्म शरीर को भी इनडायरेक्टली यहां से कंट्रोल करता है। तो अंग कंग सन टन तम पंग यंग शंग विन दुंग ऐन विन और हंग शंग, इसमें 51 मातृका, उसके साथ देवी का बीज दुंग और ऐन, और हंग शंग मतलब पूरे कुंडलिनी को दर्शाने के लिए हंग और शंग के बीच पूरे ले लिए हैं इस मंत्र में। और आगे लिखा है द्विजाग्रम द्विजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, मतलब ये एक समर्पित भावना देवी के पास, यानी 51 बीजाक्षर और हंसम, यानी पूरे कुंडलिनी के साथ पूरे महामेरी, यानी साधक की पूरी कुंडलिनी, सारे 51 बीजाक्षरों से जो सब कुछ बना हुआ है, हमारा आसपास की पूरी शक्ति, इनके साथ मैं समर्पित हो रहा हूं हे चामुंडे, दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, मैं समर्पित हो रहा हूं। इस रूप से यह स्वाहा का मतलब जलाना नहीं है, यह स्वाहा का मतलब है मैं समर्पित हो रहा हूं। पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खींग खुंग खेचरी तथा, मतलब हे पार्वती पूर्णा, तुम पूर्ण रूपेण पार्वती हो, तुम में सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है उसी को ही पूर्णा कहते, वो तुम पार्वती खांग खींग खुंग खेचरी तथा। खेचरी मुद्रा आप जानते हैं, खेचरी मुद्रा जिससे सिद्ध होती है वो हवा में उड़ के जा सकता है। अब आगे कहा गया है सांग सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में, अर्थात सांग सीम सुम का मतलब है कि डिवोशन, यानी मैं समर्पित हो चुका हूं पूरी डिवोशन के साथ,
आत्मीयता के साथ सप्तशति देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में, ये सप्तशति के मंत्रों की सिद्धि मुझे मुझे मिलनी चाहिए, ने मुझे पानी चाहिए। इदंतु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हेनाम सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरन्ने रोदनम यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। मित्रों, आशा करता हूं ये कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको समझा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले गुरु पादुका अथवा गुरु का कोई ऐसा कोई स्तोत्र हो या गुरु का कोई मंत्र हो जो गुरु को ही इंडिकेशन, गुरु तत्व को इंडिकेशन दे, ऐसे मंत्र का पहले उच्चारण कीजिए। कितने बार भी उच्चारण कीजिए, 11 या 21 बार उसको समर्पित हो जाइए और बाद में शापोद्धार मंत्र का जाप कीजिए, उसके बाद उत्कीलन मंत्र, उसके बाद मृत संजीवनी मंत्र का जाप कीजिए और उसके बाद आप ये कुंजिका स्तोत्र जो है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप अपने कार्य के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका शत्रु विनाश का कार्य है वो शत्रु विनाश के कार्य के लिए अपना पहले संकल्प मानसिक कीजिए अथवा हाथ में पानी लेकर संकल्प कीजिए और चामुंडा देवी को बताइए कि आपका संकल्प कोई शत्रु विनाश के लिए है अथवा शत्रु की दृष्टि आपके ऊपर जो है वो सकारात्मक हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए। और लौंग जो होती है लौंग, वो लौंग अपने इसमें अंदर रखिए और इसका पाठ कीजिए और बाद में वो लौंग जो है वो फेंक दीजिए। अगर आपको कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से काम करवाना है मीठी बात करके और वो समझ नहीं रहा है, तो आप किशमिश जो होती है वो लीजिए, हमारे मराठी भाषा में उसको मनुका कहते हैं, तो वो लीजिए, वो मीठी होती है, वो ऐसे मुंह में रखिए, उसको खाना नहीं है। और बाद में वो जो होती है वो आप ये वो ऐसे रखे, मंत्र का जाप कीजिए, बाद में वो किशमिश होती है वो थोड़ी सी जमीन के ऊपर ऐसे काट छाट के बिखरा दीजिए जिससे कि चींटियां उसे खा जाए। और दिवाली के लिए मैं ये कहूंगा और आगे की दिवाली के बाद भी आप ये कर सकते हैं, कोई भी नवरात्र आए उस समय एक इस ये जो स्तोत्र है इसके आवर्तन करिए, आवर्तन होने के बाद इसका हवन कीजिए। हवन के भी कुछ विषय है वो मैं अभी इसमें बता नहीं सकता, पर हवन करने के बाद आपको इसकी अच्छी तरीके से सिद्धि आ जाएगी। और सिद्धि का मतलब यह है कि आपकी मानसिक संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में किसी को समस्या है तो आप ये एक बार स्तोत्र भस्म लेंगे हाथ में और ये एक बार स्तोत्र बोल के उस भस्म के ऊपर कुछ संकल्प करेंगे कि ये मेरे बच्चे का काम हो जाए या आपके पास जो समस्या लेके आया है उसका काम ये हो जाए और उसको ये भस्म दे सकते हैं। या कोई किसी बच्चे को या किसी को बाधा हो चुकी है बाहरी, किसी को नींद नहीं आ रही है बाहरी बाधाओं के कारण, उसके लिए भी आप भस्म ले सकते हैं, मंत्र का ये इसका जाप कर, ये स्तोत्र का जाप कर सकते हैं ऐसे फूकने का और उसको जो व्यक्ति बाधित हुआ है उसको ऐसे लगाने का, शरीर को लगाने का, थोड़ा सा पानी में डाल के दे भी सकते हैं। तो ये एक अगर आपने ठीक से क्रिया की तो आपको इसकी सिद्धि मतलब आपको ये अच्छी तरीके से जागृत हो सकता है। मैं सिर्फ कोई ऐसे दावा नहीं करूं कि देवी आएंगी और आपको कोई आशीर्वाद विशीर्वाद देगी। हाँ, पर ये एक बात जरूर है, सही गुरु है, गुरु पादुका आपके पास सही है, आपके पास आपकी भावना सही है, तो आपको जरूर, जैसे मैंने पहले कहा था वैसे देवी का दृष्टांत, जैसे कि देवी जो साधनाओं में दृष्टांत देती है वैसे आपको दृष्टांत दे सकती है, जैसे कि पैजनों के आवाज जो होते हैं, घुंघरों के आवाज होते हैं अथवा
छोटी छोटी लड़कियां या बड़े बड़े जो एक बड़ी लड़कियां जो होती है वो कैसे अब एक दूसरे से बात करती है, उस टाइप की बात आपको कान में सुनाई देना वगैरह, या कुछ पानी आसपास में है, या फिर कुछ अलग टाइप के मेले लगे हुए जहां लेडीज ही लेडीज है, तो ये सब कुछ स्वप्न में या आसपास दृष्टांत दिखाई दे सकते हैं। मतलब कि वो शक्तियां आपसे संवाद साध रही है, और जब ऐसा सच में हो तो आप आगे बढ़िए, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन भी ले लीजिए। और अगर आपने सिद्ध कुंजी का ठीक से किया तो आपको ये अनुभव निश्चित रूप से आ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। आपको अगर श्री विद्या हमसे हमारी संस्था से सीखनी हो तो श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आकर, ठाणा मुंबई में आकर आप सीख सकते हैं। मुझे किसी भी श्री विद्या के विषय में कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो, तो मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग है गूगल के ऊपर और यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि प्योर ओरिजिनल नॉलेज आपको मिल सके। अपने बाकी दोस्त बाकी साधक गण है उनको भी कहिए आप, और इसके कारण आपको ही पुण्य लगेगा कि किसी आपके कारण कोई दूसरा ज्ञान के लिए जग रहा है अज्ञान से, क्योंकि आज के गुरुओं ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाकर अज्ञान फैला दिया है। और ऐसे गुरु शिविर लेके भाग जाते हैं, पैसा उठा के अपना ठेला लगा, पैसा उठा उठाते हैं, ठेला के ठेले के ऊपर का धंधा खत्म हो गया तो चल के भाग जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से संवाद कर नहीं सकता और गुरु अपने शिष्य को पहचान नहीं सकता। तो मैंने पहले ही आपको कुलारणव तंत्र में कहा है कि जो श्री विद्या गुरु अपने शिष्य को आमनाय और गुरु पादुका का ज्ञान नहीं देता वो गुरु भी चांडाल होता है, और ऐसे शिष्य भी चांडाल होते हैं। चाहिए तो कुलारणव तंत्र आप खरीदिए बाजार से, पढ़िए पूरा, उसमें शिव पार्वती संवाद पूरा श्री विद्या के विषय में दिया हुआ है।